अब इस वीडियो में हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या थी, कैसे क्या इंटरनेट बना, कहां से शुरुआत हुई थी इंटरनेट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1940s में आई थी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के आने के बाद अपने जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे वो बने, मतलब जो हर एक डिवाइस के अंदर एक प्रोसेसर होता है जो सारे टास्कों को एग्जीक्यूट करता है, उसे डिनोट करते हैं म्यू पी से। तो ये माइक्रो प्रोसेसर 1940s में बनना चालू हुए। अब इसके बाद 1940s के बाद इंटरनेट कब आया था, 1960s में एक अमेरिकन डिफेंस एजेंसी थी आर्पानेट। तो आर्पानेट में एक प्रोजेक्ट आया उस टाइम पर, वॉर के टाइम पर जब इन्हें डेटा शेयर करना होता था, तो इन्होंने क्या सोचा कि जब हमें एक सिस्टम से, ये रहा सिस्टम ए और ये रहा सिस्टम बी, तो इन्हें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर डेटा भेजना है, ये रहा सिस्टम ए और ये रहा सिस्टम बी, तो जब इन्हें डेटा भेजना है तो ये पूरे डेटा को एक साथ में नहीं भेजेंगे, ये होल डेटा को इधर से इधर एक साथ में नहीं भेजेंगे। इनका क्या मानना था कि अगर हमने पूरे डेटा को एक साथ में भेजा और बीच में कहीं भी नेटवर्क में कुछ दिक्कत आती है या कोई अटैकर अटैक करता है, तो उस पूरी इंफॉर्मेशन को अटैकर को वो पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी और सिस्टम बी तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाएगी। तो इन्होंने क्या प्लान किया कि इस डेटा को छोटे छोटे चंक में डिवाइड किया जाए, इन चंक के पैकेट्स को इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजे जाए, ताकि अगर बीच में कहीं पर भी कुछ भी कोई से भी पैकेट का डेटा लॉस होता है, तो वो डेटा लॉस के कारण चाहे उनके पास सिस्टम ए से सिस्टम बी के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, तो उस पूरी इंफॉर्मेशन में से कुछ आधी इंफॉर्मेशन तो पहुंचेगी, ताकि वो कुछ एक्शन ले सके। तो उस टाइम पे वॉर का टाइम था, तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि हाँ कि उनके पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जब डेटा भेजा जाता था तो वो इंफॉर्मेशन कन्फर्मली पहुंचे, तो इसलिए इंटरनेट की शुरुआत हुई। अब ये चंक कैसे क्या बनते हैं, पैकेट कैसे क्या बनते हैं, तो इसके लिए एक मॉडल होता है जिसे बोलते हैं ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल आपके नेक्स्ट सेम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आएगा, तो इस ओएसआई मॉडल के थ्रू ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा भेजा जाता है। इसमें 7 लेयर्स होती है, इन 7 लेयर्स से पास होकर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचता है। अब ये रही 1960s की बात, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अब बात पहुंची 1970s में, तो 1970s में क्या हुआ था, इस इंटरनेट का जब डिफेंस एजेंसी यूज कर रही थी, तो इसके साथ साथ में 1970s में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ इंस्टीट्यूट भी यूज करने लग गए, ताकि वो भी आपस में एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा भेज सके, कुछ रिसर्च कर सके। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट लेवल पर भी 1970s में इंटरनेट का यूज होने लगा। उसके बाद 1970s के बाद 1980s में इस टाइम पर आया था डीएनएस सिस्टम या डोमेन नेम रिजोल्यूशन सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। तो इस डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम था कि इंटरनेट पर जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, इंटरनेट पर हम जैसे मैंने मेरे वेब ब्राउजर में, ये रहा मेरा कंप्यूटर, यहां पर मैंने सर्च बार में सर्च किया कि मुझे www.youtube पर ले जानो, तो इंटरनेट पर ऐसी कुछ चीज अवेलेबल नहीं है।
इंटरनेट पर क्या अवेलेबल है इस डोमेन से रिलेटेड एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कैसे क्या होता है, जैसे एक डमी आईपी एड्रेस ले लेते 192.23.37.98, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ डमी एड्रेस होते हैं। अब ये आईपी एड्रेस, इनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हैं, जिनमें क्लास ए होता है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ऐसे बहुत 5 क्लासे होती है। और ये जो एड्रेस है, ये है एड्रेस IPv4 का। और एक और नया आईपी एड्रेस चालू हुआ है, वो है IPv6 का। तो ये सारे एड्रेस, ये क्या होता है डीएनएस सिस्टम, ये आपके नेक्स्ट सेम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आता है। बस एक ओवरव्यू इस टॉपिक में देख लेते हैं कि डीएनएस सिस्टम होता है क्या। तो डीएनएस सिस्टम क्या करता है, इस डोमेन से रिलेटेड एक एड्रेस आपको देता है कि इस एड्रेस पर चले जाओ आप। जैसे इसने, डीएनएस सर्वर ने ये YouTube.com सर्च करने पर ये एड्रेस दिया, तो वेब ब्राउजर क्या करेगा, इस एड्रेस पर जाकर वहां पर पूछेगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कि मेरे यूजर ने, मतलब क्लाइंट ने, इस डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट भेजी है, तो इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया जाए। और उस एड्रेस पर रखा हुआ जो वेब सर्वर होगा, वो क्लाइंट तक फिर से उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल्स को एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट तक भेज देता है। तो डीएनएस का क्या काम क्या था, किसी भी डोमेन से रिलेटेड आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। अब 1980s के बाद 1990s में क्या हुआ था, इंटरनेट का कमर्शियलाइजेशन चालू हुआ था। उसके बाद 1990s में ही ईमेल आया था और मैसेजेस आए थे। इंटरनेट का सही तरीके से 1990s में यूज होना चालू हुआ था। 1990s में ही बहुत सारी चीजें बनी थी, इसी के कारण आज जो हम इंटरनेट देख रहे हैं, 1990s में एक तरह से उसका एक हाई लेवल पर यूज होने लगा कि हम इंटरनेट से ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद 1990s के बाद 2000 में एक कंपनी आई थी, फेसबुक, जिसने बहुत सारी काम की इस फील्ड में। और फेसबुक कंपनी के कारण ही मोबाइल फोन्स आए थे, और इन मोबाइल फोन्स का आज हम यूज करते हैं, और हर कोई आज मोबाइल फोन का यूज करता है। और 2000 के बाद अगर आज का सिनेरियो ले, तो आज हर कोई आदमी इंटरनेट को डेली एक्सेस करता ही है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1960s में। 1960s में आर्पानेट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसमें उन्हें डेटा को एक साथ में, होल डेटा एक साथ में नहीं भेजना था, उन्हें डेटा को पैकेट्स के थ्रू भेजना था। तो इसलिए शुरुआत हुई थी इंटरनेट की 1960s में। उसके बाद 1970s में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इंटरनेट का यूज होने लगा। उसके बाद 1980s में डीएनएस सिस्टम आया। उसके बाद 1990s में इंटरनेट का सही तरीके से यूज होने लगा, जहां पर इंटरनेट का कमर्शियलाइजेशन, ईमेल और मैसेजेस चालू हुए। उसके बाद 2000 में फेसबुक नाम की एक कंपनी आई, जिसने मोबाइल फोन्स का एक तरह से फैला दिया, हर एक लोग मोबाइल फोन्स का यूज करने लगे। उस टाइम पे ही फेसबुक ऐप आया था, जिसके कारण इंटरनेट एक तरह से हर एक यूजर तक फैला था। और उसके बाद अगर आज देखें, तो आज इंटरनेट का कुछ अलग ही सिनेरियो है। आज नई नई चीजें आ चुकी है, जिसका हम डेली यूज करते हैं।